मीनू शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी रेसिपी जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, और जब भी कभी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो इसे आप फटाफट से बना सकते हैं। बहुत ही कम सामान के साथ बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, यानी कि रवा मालपुआ यानी सूजी मालपुआ। सूजी मालपुआ कैसे बनते हैं और इसमें किस किस सामान की ज़रूरत होती है वो देखते हैं। ये मैंने 50 से 75 ग्राम सूजी ली है, 150 ग्राम आटा है गेहूं का, 2 बड़े चम्मच शुगर पाउडर, 1 बाउल दूध है, इस दूध से पेस्ट बनाएंगे, 10 से 12 काजू का पाउडर है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, थोड़ा दरदरा है। तो शुरू करते हैं पेस्ट बनाना। पेस्ट बनाने के लिए एक कंटेनर लेंगे और कंटेनर में आटा डालेंगे। तो सबसे पहले आटा डालेंगे, सूजी, काजू पाउडर, शुगर पाउडर और अब थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसको मिक्स करेंगे, इसका एक पतला पेस्ट बनाएंगे। एक साथ दूध नहीं डालना है क्योंकि इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं, तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए मिक्स करेंगे। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी गांठ नहीं है और ये मैंने काफ़ी पतला कर लिया है, थोड़ा और पतला करेंगे क्योंकि हमें मालपुआ बनाने हैं। इसमें आपको थोड़ा दरदरा दिख रहा होगा, वो जो दरदरा दिख रहा है वो इसमें काजू का पाउडर जो मैंने डाला था वो एकदम बारीक नहीं था, क्योंकि बारीक काजू का पाउडर नहीं डालना है, थोड़ा दरदरा ही डालना है जिससे पता चले खाने में कि हाँ इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं इतना पेस्ट बनाने में पूरा 2 बाउल दूध लगा है और पेस्ट काफ़ी अच्छा बन के तैयार हो गया है। इसको ढक के रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए, और जब 20-25 मिनट हो जाएंगे तो हमारी सूजी भी फूल जाएगी और आटा भी थोड़ा फूल जाएगा, उसके बाद मालपुआ सेकना शुरू करेंगे। 20 से 25 मिनट हो गए और इसका ढक्कन खोल करके देखेंगे कि हमारा ये बैटर कैसा हुआ है जो हमने सूजी और आटे से बनाया था मालपुआ के लिए। ये देखिए ये अच्छे से फूल गया है और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और मिक्स करके ये देखिए एकदम अच्छे से फूल गया है ये, और इसके मालपुआ बहुत ही अच्छे बनेंगे। बैटर में मैं 2 चम्मच खोआ मिलाऊंगी, यानी मावा मिलाऊंगी। अगर आप मावा पसंद नहीं करते हैं तो आप हटा भी सकते हैं, लेकिन इसके मिलने से टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा खोआ मिलाऊंगी। ये 2 चम्मच खोआ है, खोआ मिला के अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको मिक्स करने से पहले मैंने कढ़ाई रख दी है और गैस पर कढ़ाई गर्म हो गई है, इसको अच्छे से मिक्स कर। ये मैंने 2 चम्मच खोआ डाल दिया और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, एकदम आटे में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। मैंने खोए को अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं, और कढ़ाई भी गर्म हो गई है। कढ़ाई में देसी घी डालूंगी मैं, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। देसी घी डालेंगे, मैंने ये देसी घी लिया है, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 100 ग्राम देसी घी डालेंगे। मैं देसी घी में इसलिए फ्राई कर रही हूँ क्योंकि देसी घी में फ्राई करने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और मुझे पसंद भी है, मालपुआ देसी घी के पसंद हैं, तो इसलिए मैंने देसी घी यूज किया है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में भी बहुत अच्छे बनते हैं।
एक चमचा लेंगे और चमचे में बैटर को भर लेंगे, क्योंकि जी चमचे से काफ़ी अच्छे मालपुए बनाने में काफ़ी अच्छी मदद मिलती है, तो इसलिए चमचे से बनाएंगे। आप देख सकते हैं घी भी अच्छे से गर्म हो गया है और मैंने गैस को स्लो कर लिया है, और अब मैं मालपुआ छोड़ देती हूँ इसमें फ्राई करने के लिए। पतला सा बनाएंगे गोल गोल, इसको अच्छे से डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम रख कर देंगे अब, क्योंकि जब हम मालपुआ डालते हैं तो स्लो कर लेना चाहिए, क्योंकि वो एकदम से इकट्ठा ना हो, फैल रहा है उसमें। और आप देख सकते हैं कि मालपुआ कितना अच्छा फूल रहा है। अब इसको पलट के देखेंगे कि ये ब्राउन हुआ है या नहीं। ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है, और इसको अच्छे से डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ से भी इसको पलट करके देखेंगे कि ये उधर से भी ब्राउन हुआ है या नहीं। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा अभी बीच में कम ब्राउन हुआ है, तो इसको अच्छे से डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और अच्छे से इसको सेकेंगे। ये डार्क गोल्डन ब्राउन हो गया है और इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। इसी तरीके से सारे मालपुआ फ्राई करेंगे। तो इसको पलट के देखेंगे और इसी तरीके से सारे मालपुआ फ्राई करते रहेंगे। जितना भी मैंने बैटर बनाया है सभी से मैं ऐसे ही बनाऊंगी। ये देखिए बहुत अच्छे फूलते हैं, ये सूजी एकदम अच्छे से फूल चुकी है। 20-25 मिनट में सूजी अच्छी हो जाती है काफ़ी फूल करके। इन्हें बनाने में बहुत ही कम घी यूज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है घी, थोड़े ही घी में बहुत अच्छे बन जाते हैं ये। ये हमारे टेस्टी मुलायम और पतले पुआ बनकर के तैयार हैं। तो फ्रेंड्स आप भी बनाएं और अपने परिवार वालों को खिलाएं, क्योंकि ये खासकर सभी लोगों को पसंद आते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं ये और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो आप भी बनाएं और खाएं और अपना एक्सपीरियंस रेणु शर्मा किचन पर कमेंट के साथ शेयर करें। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।